दोस्तों पप्पू यादव ने तो कमाल ही कर दिया। किस तरह से संसद भवन के अंदर बेधड़क होकर स्पीकर साहब को बधाई की बहाने दे डाली सारी जिम्मेवारी, सुनता रहा सारा संसद भवन और देते रहे भाषण। देखिए आप इस वीडियो को पूरा, किस तरह से बेधड़क होकर स्पीकर साहब को ही जिम्मेवारी डाल दी है पप्पू यादव ने, तो आप भी देखिए इस वीडियो को पूरा। न्यायाधीश के सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे आपने जो गौरवपूर्ण और गरिमामयी जो आप आज पुनः दोबारा हम सबके गार्जियन के रूप में देश की स्वाभिमान सम्मान और अभिमान की संविधान की स्वतंत्रता को बढ़ाए रखने के लिए जो आप हम सबके बीच दोबारा स्पीकर के रूप में आए हैं, हृदय की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहूँगा, मैं स्वतंत्र आवाज़ हूँ इस देश के करोड़ों विचार के उस संरक्षण वाले हर समाज वर्ग और समूह व्यवस्था का। मैं हमेशा अपेक्षा रखूंगा बिहार के साथ साथ संविधान और स्वतंत्र आवाज़ को आप संरक्षण देंगे। वैसे मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि मैं इस देश का निर्भीक स्वतंत्र और बिना भय में जीने वाला व्यक्ति हूं और मजबूत नेतृत्व के साथ यह जो समूह है, भैया सुन तो लीजिए क्यों बोलते हैं, मजबूत नेता के रूप में स्वतंत्र निष्पक्ष और सच्चाई के रास्ते पर इंडिया गठबंधन के विपक्ष के मजबूत नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी एनडीए घटक के नेताओं के भीतर इस देश के विपक्ष की आवाज़ सिर्फ उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। आप नैतिकता के मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर विराजमान हैं। हमें उम्मीद है कि नैतिकता का मूल्यों का ह्रास नहीं होगा और आप सर्वश्रेष्ठ इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे और हम सबको भी आप संरक्षण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।